हेलो, मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि एक ऐसी रेसिपी लेकर आई जाए जो सुनने में तो हो नॉन वेज लेकिन हो प्योर वेज। नमस्कार, मैं शेफ अभिमन्यु फ्रॉम पैनासोनिक। ऐसी रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, वेज कीमा रोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। मैंने एक माइक्रोवेव बाउल ले लिया है, इसमें मैं सोयाबीन के ग्रैनुल्स डालूंगा, इसमें 2 कटोरी पानी डालूंगा, और इसे बॉईल होने के लिए पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में 3 मिनट के लिए रख दूंगा। पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में जो हमने टाइम दिया था वो हो चुका है कंप्लीट। सोयाबीन के ग्रैनुल्स बॉईल हो चुके हैं, अब इसे रखें हम थोड़ी देर साइड में। तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे माइक्रोवेव सेफ बाउल में। बाउल में मैंने बटर मेल्ट कर लिया है, इसमें मैंने वेजिटेबल्स डालूंगा, ऑनियन, शिमला मिर्च और रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिली। देन उसके बाद मसाले डालूंगा। मसालों में मैंने हल्दी लिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर ले लिया है। और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे लिड लगाकर पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में माइक्रोवेव पावर लेवल 100 पे इसको देंगे 2 मिनट का टाइम। देख सकते हैं जो हमने टाइम दिया था वो हो चुका है कंप्लीट। अब इसे बाहर निकालेंगे हम। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद लिड लगाकर पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो देख सकते हैं पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में जो हमने टाइम दिया था वो हो चुका है कंप्लीट और माइक्रोवेव ने दे दी आवाज। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप अच्छे से खुशबू भी आने लग गई है। अब इसमें हम सोयाबीन के ग्रैनुल्स डालेंगे, जो हमने पानी था एक्स्ट्रा वो निकाल दिया है। और इसमें ऐड कर देंगे कस्तूरी मेथी और इसको कर देंगे एक बार अच्छे से मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करते करते इसमें आप 1 चम्मच टमाटो केचप भी ऐड कर देंगे टैंगीनेस के लिए, इसमें जिससे कि इसमें टेस्ट और अच्छा आ जाए। इसको मिक्स करने के बाद बिना लीड के इस बार पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो पैनासोनिक माइक्रोवेव ने हमें दे दी आवाज। तो इसका टाइम हो चुका है कंप्लीट। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। देख सकते हैं बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आने लग गई है। अगर आप बनाओगे घर में तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। हम बनाएंगे इसके, आप ऐसे भी इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसके रोल। कीमा को हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है, इसको रखेंगे हम साइड में। अब लेंगे हम एक रुमाली रोटी
रुमाली रोटी पे हम हल्का सा बटर से ब्रशअप कर देंगे। इसको देख सकते हैं मैंने फोल्ड कर लिया है। बटर लगाने के बाद इसमें हम डालेंगे मेयोनीज, लगाएंगे अच्छे से। मेयोनीज लगाने के बाद इसमें हमने जो वेज कीमा बनाया था वो लगाएंगे। वो डालने के बाद इसे हम साइड से ऐसे हल्का सा मोड़ देंगे, जिससे कि रोल बनाने में हमें थोड़ी आसानी रहे। इसे बनाएंगे हम रोल। अब रोल बनाने के बाद हम इस पे इतने से पोर्शन पे हल्का सा ऑयल से ब्रशअप कर लेंगे। और ऐसे ही आपको अपने रोल्स बनाने हैं। बाकी के रोल्स मैंने बना लिए। अब इस पे मैं ऑयल से बटर से हल्का सा ब्रशअप कर दूंगा, जिससे कि ये क्रिस्पीनेस अच्छे से हो जाए। ब्रश करने के बाद प्री हीटेड पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन में रखेंगे इसे। रखने के बाद इसे हम देंगे 8 मिनट का टाइम। टाइम हो चुका है कंप्लीट। पैनासोनिक माइक्रोवेव अवन ने दे दिया हमें आवाज। अब इसे निकालेंगे हम बाहर। तो आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से क्रंचनेस हो गए हैं। अब इसे सर्व करेंगे आपके लिए।